जिस बांग्लादेश के आर्थिक ताकत की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती थी, जिस बांग्लादेश की ताकत के सामने पाकिस्तान भी पानी मांगता था, उस बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर ऐसा तांडव किया गया जिसकी आग में पूरा बांग्लादेश जहां बर्बाद हो गया, तो वहीं देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा और देखते ही देखते एक झटके में पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, किसने किया बांग्लादेश को बर्बाद? बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे कौन? देश छोड़ क्यों भागी शेख हसीना? अमेरिका में साजिशकर्ता बेनकाब, मोहम्मद यूनुस ने खुद किया खुलासा। एक मंच पर मालिक, कठपुतली, प्यादे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने खुद ये बात कबूल की कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई और इसी के साथ ही सनसनीखेज खुलासा भी किया कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था, किसने छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी थी। दरअसल प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अमेरिका के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यक्रम क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में शिरकत की थी। इसी कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूनुस ने मंच पर अपने स्पेशल असिस्टेंट को बुलाया और लोगों से मुलाकात कराई। ये स्पेशल असिस्टेंट पता है कौन था? महफूज आलम। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, अमेरिका के मंच पर खड़ा यही महफूज आलम है जिसने एक झटके में पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया और इसी को अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाकर घूम रहे मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका में जब लोगों से उसका परिचय कराया तो यहाँ तक कह दिया कि ये किसी दूसरे युवा व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं, मगर जब आप इनको एक्शन में देखेंगे, जब इनके भाषण सुनेंगे, आप कांपने लगेंगे। अपनी लगन और भाषण से इन लोगों ने देश को हिलाकर रख दिया। इन लोगों ने कहा कि आपको हमें मारना है तो मार दीजिए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। पूरी क्रांति के पीछे यही थे, वो बार बार इससे इनकार करते हैं, मगर उस पूरी क्रांति के पीछे यही थे। ये अचानक हुई चीज नहीं थी। बांग्लादेश में हुई जिस हिंसा को मोहम्मद यूनुस क्रांति का नाम दे रहे हैं, उस हिंसक क्रांति में सैकड़ों लोग मारे गए थे। बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक तोड़ दी गई, जिसकी स्क्रिप्ट महफूज आलम ने लिखी और ये बात खुद स्वीकार करते हुए मोहम्मद यूनुस ने सनसनीखेज खुलासा किया और अमेरिका के मंच से पूरी दुनिया को बताया। आंदोलन को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था, यहाँ तक कि लोगों को ये नहीं मालूम था कि नेता कौन है। ऐसे में आप किसी एक को पकड़कर ये नहीं कह सकते कि आंदोलन खत्म हो गया। जब ये बोलते हैं तो ये दुनिया के किसी भी युवा को प्रेरित कर सकते हैं। प्लीज इनका स्वागत कीजिए, ये वो लोग हैं जो नया बांग्लादेश बना रहे हैं। जिस कथित छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुआ, सरेआम हिंदुओं को मारा गया, वो हिंसक आंदोलन मोहम्मद यूनुस को क्रांति लगती है और जिस महफूज आलम के इशारे पर बांग्लादेश बर्बाद हुआ, वो महफूज आलम मोहम्मद यूनुस की नजर में नया बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब मोहम्मद यूनुस जैसे मुख्य सलाहकार ही हिंसक आंदोलन का समर्थन करते हो, जिन पर बांग्लादेश की कमान संभालने की जिम्मेदारी है, तो फिर भला बांग्लादेश का क्या हाल होगा? कौन है महफूज आलम? महफूज आलम 2015-16 तक ढाका यूनिवर्सिटी में छात्र था। ढाका यूनिवर्सिटी से महफूज ने कानून विभाग की पढ़ाई की है। महफूज को मोहम्मद यूनुस का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया है। बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस जब तक पद पर रहे हैं, तब तक महफूज आलम भी उनका स्पेशल असिस्टेंट बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद शेख हसीना आरोप लगाती रही हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। ऐसे में सवाल उठता है, तो क्या मोहम्मद यूनुस की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से अमेरिका में मुलाकात भी इसी प्लान का हिस्सा था? बिल क्लिंटन, मोहम्मद यूनुस और महफूज आलम, तीनों को एक साथ एक मंच पर देखकर अब तो लोग यही कह रहे हैं कि मालिक, कठपुतली और प्यादे, अब सब कुछ पर्दे के सामने है। क्या आपको भी लगता है बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे अमेरिका, मोहम्मद यूनुस और महफूज आलम का ही हाथ है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।